नमस्ते। रोजाना सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ढेर सारे पैसे बचाने के लिए योर इंडियन कंज्यूमर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी सेव्ड इज मनी मेड। नमस्ते डीप लाइफ फैमिली, आप सभी लोगों का स्वागत है डीप लाइफ कस्टम्स के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, वैसे आपने नोटिस की जो टी शर्ट मैंने पहनी है, दिस इज माई डिजाइन, पूरा मैंने डिजाइन किया है। इस आर्टवर्क का नाम है शैतान, आप देख सकते हो पास में। तो आज हम लोग शूज कस्टमाइज करने वाले हैं, और ऐसे वैसे शूज नहीं, नाइकी के शूज कस्टमाइज करने वाले हैं, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। तो वैसे पूरा इंटरनेट लगा पड़ा है एयरफोर्स वन कस्टमाइज करने में, बट पर्सनली मुझे लगता है एयरफोर्स वन काफी ज्यादा चंकी है। तो मैं आपको शूज का मॉडल बता दूं जो मैंने परचेज किया है, जो मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जाते हैं मेरे ड्रॉइंग टेबल पे और अनबॉक्स करते हैं मेरे नए शूज। तो गाइज, ये है हमारे नए नाइकी के शूज। ये बॉक्स 100% ओरिजिनल है, जस्ट मैंने इसके ऊपर कलाकृति कर दी है। जो प्राइस है इसकी, इट इज समवेयर अराउंड 4800 रुपीज। तो इसकी खास बात आप देख सकते हो, दीज आर वुमेन्स शूज एंड मेरा पैर छोटा है, सिर्फ पैर ही छोटा है। 11 नंबर वेमेन विच इक्वेट्स टू यूके 8.5, तो 8.5 मेन की साइज है। तो बाय द वे, आपने ग्रफिटी वाली वीडियो देखी कि नहीं? मेरी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी रिगार्डिंग ग्रफिटी। ये है सेक्सी बॉय डीप लाइफ एडिशन, और अंदर जाके देखते हैं हम लोग। तो शूज कुछ इस प्रकार है। As always, Nike की क्वालिटी हमेशा की तरह सेक्सी है। Oh my God, look at this. How beautiful these are. बारकोड दिया रहता है, वो आपके बॉक्स के साथ आप स्कैन करके देखना। वैसे मैंने इनके ऑफिशियल स्टोर में से लिए है, 100% ओरिजिनल ही खरीदना। जूते आप अगर आप चिंदी फर्स्ट कॉपी खरीदोगे तो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो गाइस, आप सोच रहे रहेंगे मैंने वुमेन्स क्यों परचेज किए। वुमेन रिलेटेड कुछ स्पेशल डे चल रहा था, तो उनके शूज पे ज्यादा डिस्काउंट था, तो मैंने उठा लिए क्योंकि भाई साइज तो सेम है। तो वैसे तो ये शूज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए इस पे क्या डिजाइन करनी है मैंने ऑलरेडी मेरे दिमाग में सोच रखी है। दिस शूज आर ब्राइटर देन आवर फ्यूचर। पर ये जो शूज है उसको कुछ करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही प्लेन लग रहा है और मुझे लगता है हम लोग ने इसे हाईलाइट किया, तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो जैसे हम लोग बचपन में कॉइन ट्रेस करते थे, मैंने एक पूरा इधर स्वूश ट्रेस कर लिया है। तो मैं ग्लिच स्वूश डिजाइन बनाने वाला हूँ। ये स्वूश मुझे इधर रखना पड़ेगा जो अभी हम लोग ने बनाया, और इसे इस जूते पे ट्रेस करना पड़ेगा। एक्चुअली एसीटोन बात की मैं स्टेप भूल नहीं गया, पर आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कितना ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। तो जो ऊपरी बाजू है, ऊपरी साइड, मैं उधर करने वाला हूँ टर्कोइज। तो वील जस्ट स्टार्ट पेंटिंग, आपको समझ जाएगा जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ, यू विल गेट एन आइडिया। मैं सोच रहा हूँ इसकी अंदर के साइड हम लोग नियॉन के साथ जाते हैं, तो मेरे पास ये नियॉन पेंट है। Oh.
हमारे सेक्सी बॉय डीप लाइफ ग्लिच एडिशन नाइकी के शूज बन के तैयार हो गए हैं। आई एम कम्प्लीटली इन लव विद दिस वन। सो यस गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स इन पर्सन। मैंने बाहर की साइड तो ग्लिच रखी है, ग्लिच की डिजाइन करना काफी ज्यादा सिंपल है टू बी ऑनेस्ट। अंदर की साइड नियॉन ऑरेंज शूज इसलिए दिया क्योंकि मुझे पर्सनली नियॉन ऑरेंज कलर बहुत ही पसंद है। रिसेंटली मैं बहुत ज्यादा आर्ट डाल रहा हूँ, स्पेशली डिजिटल आर्ट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। रिसेंटली मैंने महाराजा फ्रीजा बनाए थे एंड दिस इज हाउ इट टर्नड आउट। और ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था, तो पोस्ट नोटिफिकेशंस भी टर्न ऑन कर दीजिएगा, आपको बहुत सारी इनसाइडर चीजें पहले ही पता चल जाएंगी। वैसे मुझे तो पता नहीं इंडियन यूट्यूब में शूज कौन कस्टमाइज कर रहा है, पर डीप लाइफ कर रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए एवरी सिंगल टाइम आई कस्टमाइज समथिंग। वेल गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।